आज मैंने बनाई मसाला चाय, बहुत ही टेस्टी लगा। मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे थे कि मसाला चाय सीमा रेसिपी बता दो, तो मुझे लगा कि चलो एक डेडिकेटेड वीडियो ही बनाते हैं मसाला चाय की, मेरे स्टाइल में एकदम सिंपल और क्विक रेसिपी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो एक पैन में 1 कप पानी मैंने लिया है, मैं बनाने जा रही हूँ 2 कप चाय। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून फुल मसाला चाय का मसाला। इसे तभी डालिएगा जब पानी में उबाल आ जाए, यानी कि जब वाटर बॉयल होने लगे। अब चलिए झटपट से देखते हैं इस मसाले को मैंने कैसे बनाया है। मैंने लिया है सबसे पहले 6 बॉल ब्लैक पेपर के, यानी काली मिर्च, 1 इंच अदरक, 2 क्लोव यानी कि लौंग, 3 पीस ग्रीन कार्डिमम यानी कि हरी वाली इलायची 3 लिया है, नेक्स्ट लिया है सिनेमन स्टिक या फिर दालचीनी 1/2 इंच और नेक्स्ट फिनेल सीड्स या फिर सौंफ, यह है 1/4 टीस्पून। अब इन सबको इस खलबट्टे में डाल करके दरदरा कूट लेंगे, और अगर आपके पास ये खलबट्टा नहीं है तो आप ग्राइंडर में डाल के जस्ट एक बार ग्राइंड कर लीजिए और रेडी है मसाला चाय का मसाला झटपट से। तो फ्रेंड्स एक बहुत जरूरी बात, इतने मसाले से आप 4 कप चाय यानी कि 4 कप टी आराम से बना सकते हैं। तो जो ये मसाले हैं हम उसी हिसाब से 2 कप चाय में डालेंगे, हाफ, फुल नहीं डालेंगे। फुल डालेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसाले की टेस्ट आएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसाला चाहिए तो आप फुल डाल सकते हैं। तो पानी में 1 चम्मच ये मसाला डालने के बाद इसे हम 1 मिनट तक अच्छे से बॉयल आने देंगे। अब 1 मिनट बाद इसमें हम डाल देंगे चाय की पत्ती, इसे मैंने डाला है 2 टीस्पून। इसे डालने के बाद इसे हम यानी कि चाय पत्ती को 1 मिनट तक अच्छे से बॉयल कर लेंगे। जब 1 मिनट तक अच्छे से चाय पत्ती पक जाएगा, फ्रेंड जब अच्छे से बॉयल आता है ना वो 1 मिनट तक होना चाहिए। तो जब 1 मिनट हो जाएगा चाय पत्ती की कलर अच्छे से पानी में आ जाएगी, उसके बाद हम डालेंगे 2 कप मिल्क। तो देख रहे होंगे कितना सुंदर कलर आया है। दूध डालने के बाद इसे हम एक बार अच्छे से मिला देंगे। मिला करके मीडियम फ्लेम पे हम वेट करेंगे कि कब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो। तो धीरे धीरे जब देखें इस तरीके से बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, इसे हम मिलाते हुए चलाते हुए 4 to 5 मिनट बॉयल कर लेंगे, पका लेंगे। जब अच्छे से ये बॉयल हो जाएगा चाय का कलर एकदम बढ़िया वाला गोल्डन आ जाए। अगर आपको लगे इस स्टेज में चाय की पत्ती थोड़ी कम है तो आप ऐड कर सकते हैं, और उसे भी 1 मिनट और बॉयल करने के बाद अब हम डालेंगे शुगर यानी कि चीनी। इसमें आप अपने स्वाद के हिसाब से चीनी डाल दीजिए, शुगर आप टोटली अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा डाल सकते हैं। मैंने डाला है 2.5 टीस्पून। तो चीनी डालने के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट और पकाना होता है। चीनी डालने के बाद बहुत ज़्यादा बॉयल चाय को नहीं करते हैं, बस 1 मिनट पकाने के बाद चाय एकदम रेडी। चलिए छानते हैं, और खुशबू फ्रेंड्स रियली बहुत अच्छी आ रही है। मैं तो चली मसाला चाय पीने के लिए, बारिश का मौसम भी है, आप लोग भी बनाइए पीजिए। फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी में, और इसे मैं एंजॉय करूंगी गर्मा गर्म समोसे के साथ। इसकी रेसिपी का लिंक मैंने ऊपर डाल दिया है, आप देख करके बना सकते हैं, और जितना मन करे वीडियो शेयर करिए।